जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, क्या पूजा पाठ से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आज का विषय अत्यंत गंभीर एवं लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, हमारे पास अनेकों भक्तों के ये फोन और मैसेजेज आए, प्रश्न आया, क्या महाराज जी पूजा पाठ के माध्यम से हम अपना भाग्य जो लेके पैदा हुए हैं, क्या उसको बदला जा सकता है। प्रश्न अत्यंत गंभीर है और आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका जो भी भाग्य है, अच्छा या बुरा, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। आपने अपने पूर्व जन्मों में, जो कि आपको याद नहीं है, उनमें जो भी आपने अच्छा किया या बुरा किया, उसके हिसाब से आपका इस जन्म का भाग्य निर्धारित होता है और उसके अच्छे और बुरे परिणाम आपको इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी किसी का बुरा मत करो, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे कार्य करो। इसके कहने का और समझाने का तात्पर्य केवल यही होता है, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य या आपके कर्मों से बनने वाला प्रारब्ध खराब ना हो। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उससे आपका प्रारब्ध का निर्माण होता है और उन्हीं प्रारब्ध के अनुसार आपको अगले जीवन में वो भाग्य के रूप में आपको मिलता है। समाज में ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं, जो कि उदाहरण के तौर पर इस जन्म में कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं सब उल्टे पुल्टे या गलत ही कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी इस जीवन में उनके पास अपार धन संपत्ति है और प्रत्येक सुख है, सारे सुखों को भोग रहे हैं, अपार लक्ष्मी है और दिन में वो लाखों रुपए अपव्यय करते हैं, उसके बाद भी उनकी धन लक्ष्मी कम नहीं हो रही है, अब तो बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इतने अच्छे दान पुण्य किए हैं, इतने अच्छे कर्म किए हैं, जो कि उनको भाग्य के रूप में इस जन्म में अपार धन संपत्ति और सारे वैभव, सारे सुखों की प्राप्ति हो रही है। अब इस जन्म में उनके कर्म बेशक खराब है, इसका निर्णय अगले जन्मों में होगा। और इसके विपरीत ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं, जो कि इस जीवन में बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो दो वक्त की रोटियों के लिए मोहताज हैं और उनके जीवन में अनेकों कष्ट हैं, अनेकों रोग हैं, अनेकों परेशानियां हैं, क्योंकि उनका जो भाग्य है वो अत्यंत खराब है। और भाग्य हमेशा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से निर्मित होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, अपने साथ अपने भाग्य को लेके पैदा होता है, जो कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या पूजा पाठ के माध्यम से अपने भाग्य को बदला जा सकता है। देखिए,
भाग्य को जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको बदलने के दो ही तरीके हैं। नंबर एक, या तो जो आपके भाग्य में अच्छा बुरा जो लिखा है उसको आप सहर्ष भोगे, जब वो भोग समाप्त हो जाएगा तब वो कर्म कटेगा और आपका भाग्य बदलेगा। नंबर दो, आप पूजा पाठ, पूजा भक्ति के अध्यात्म के द्वारा आप भगवान का अंश आशीर्वाद प्राप्त करके वह पूजा पाठ में आगे बढ़कर अनेकों अनुष्ठान इत्यादि करके अपने किए अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्म या अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुकर्मी क्यों ना हो, कितना भी उसका भाग्य खराब हो, अगर वो गुरु बना के एक सही दिशा में अध्यात्म में आगे बढ़ता है, साधक बनता है, पूजा पाठ में आगे बढ़ता है, पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान इत्यादि करता है, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में वो अपने भाग्य को बदल सकता है। अपने जो बुरे कर्म है उनको काट सकता है, अपने भाग्य की दिशा को बदल सकता है और इस जीवन में पूजा पाठ के माध्यम से सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि ये रास्ता थोड़ा कठिन एवं लंबा जरूर है, परंतु अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे अपना भाग्य बदलना है, तो निश्चित मानिए कि पूजा पाठ के माध्यम से आप अपने भाग्य को बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पर अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।